बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने हाथ जोड़कर बीजेपी के सीनियर लीडर जयंत मलैया से माफी मांगी, तो वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि जयंत मलैया के बिना दमोह अधूरा है। ये मौका था जयंत मलैया के जन्मदिन के मौके पर दमोह में हुए अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होने प्रदेश के कई दिग्गज नेता पहुंचे थे। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने जयंत मलैया को नोटिस देना बीजेपी की भूल बताया। दरअसल दमोह उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की हार के बाद पार्टी ने उन्हें नोटिस दिया था। शिकायत यहाँ से लेकर दिल्ली तक की आज तक मैंने किसी को बताया नहीं, आपको भी नहीं पता है, पर आज बता रहा हूँ। और मैं राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते व्यक्ति भूल करता है, ऐसे पार्टी से भी भूल हो सकती है, इसलिए राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते मैं उस बात के लिए दोनों हाथ जोड़ कर आपको चाहता हूँ। काम करते रहना है, ये कोई ना समझ ले कि रिटायरमेंट का कार्यक्रम, अभी तो काम करते रहना है, अभी तो और लंबे समय तक काम। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने एक गीत भी गाया, उन्होंने जो गीत गाया आपको सुना था। सुना आपने, कैलाश विजयवर्गीय ने इस दौरान गीत गाकर यहां समा बांधा, क्योंकि देखिए दिग्गज नेता हैं अपनी पार्टी के, संगठन के राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय। और आपको याद होगा दमोह उपचुनाव में जब हार मिली थी तब जयंत मलैया को नोटिस दिया गया था, और इसके बाद अब उन्होंने बयान दिया है, हाथ जोड़कर माफी मांगी है कैलाश विजयवर्गीय ने और अपना बड़प्पन दिखाया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि उन्हें नोटिस देना एक बड़ी भूल है। हम रुक करेंगे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का, हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए। मनोज जी, शायद यही बीजेपी की विशेषता है कि अगर कोई भूल भी होती है तो उसे इस तरह सहज स्वीकार किया जाता है, तरीके से स्वीकार किया जाता है कि कोई मौका विपक्षी पार्टी को मिले ना। क्या कहेंगे आप कैलाश विजयवर्गीय के इस माफी मांगने पर? देखिए दीपक, राजनीति में बहुत बदलाव हुए हैं, लेकिन कैलाश जी की बात करें या जयंत मलैया की बात करें, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी को बढ़ते देखा है, पार्टी में खुद को अपने आप को बढ़ाया है, तो ये जानते हैं कि पार्टी एक माँ की तरह होती है। हालांकि जो मंच सजा तो उसमें गाना भी उन्होंने उसी तरह का भजन गाया, और हमेशा जब भी मंच मिलते हैं तो उनसे लोग आग्रह कर लेते हैं, उस आग्रह को वो ठुकरा नहीं पाते। लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये गलत था, आपको याद होगा कि जब उपचुनाव हुए उस दौरान जिसका आपने भी जिक्र किया, तो वहां से वो निर्दलीय प्रत्याशी लड़े, उनके बेटे वो तो हटा लिया अपना फॉर्म, लेकिन जिस तरह से खबरें आई कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, फिर पार्टी ने उनको जवाब मांगा था उनकी तरफ से, तो इसको लेकर जवाब मांगना ही उसको कहीं नागपार गुजरा है। जयंत मलैया को भी कई बार इसको लेकर चर्चा होती रही, लेकिन आज जब मंच सजा, मंच पर बात हुई, तो कैलाश जी ने बड़प्पन दिखाया, और यही होता है वरिष्ठ नेता जो जानते हैं कि पार्टी को हमने सींच कर आगे बढ़ाया है या पार्टी के साथ हम लोग कैसे आगे बढ़े आज जो इस मुकाम पर खड़े हैं, तो यही बड़प्पन कहलाता है। और पार्टी में इन चीजों की कमी होती जा रही, लेकिन धीरे धीरे कर जब उन लोगों को मंच मिलता है जो पार्टी के सीनियर लीडर है, तो इसी तरह की चीजें दिखाते। निश्चित रूप से 2023 के पहले उन्होंने जो बड़प्पन दिखाया, हमें लगता है पार्टी के काम आएगा। बहुत शुक्रिया मनोज जी इस बातचीत के लिए, खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।